सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका सारुक DTH पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके LED TV का जो इंटरफेस है, जो स्क्रीन है, वो बड़ी हो जाती है और आप यहाँ पर कोई भी जो भी मेन्यू होता है वो आप नहीं देख पाते हैं। जैसे कि आप इस चैनल को देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो चैनल है वो बाहर जा रहा है, जो इसकी हेडलाइंस है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो सब बाहर की हो जा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम है वो LED TV का होता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम इस पर्दे को छोटा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो स्क्रीन होती है, इसका जो डिस्प्ले साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो हेडलाइंस है वो आप नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी चैनल आप लगा के चेक कर लीजिए, उनका जो चैनल होता है वो सब बाहर की हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने LED TV का रिमोट लेना है, उस रिमोट पर आपको मेन्यू बटन को दबाना है, ठीक है, या फिर आप सेटिंग बटन को भी दबा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको LED TV का यूज़ करना है। तो आप LED TV का मेनू बटन दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी LG की TV है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने TV के हिसाब से आपको सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेटियो आएगा, ठीक से एस्पेक्ट रेटियो, यहाँ पर अलग अलग कि जो लोकल LED होती है उस पर एस्पेक्ट नाम का एक बटन भी आता है रिमोट पर, ठीक है। उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका पर्दा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर एस्पेक्ट रेटियो आ रहा है। अब इसको हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जूम लिखा हुआ आ रहा है, तो अब हम इसको जूम आउट कर देते हैं, 16:9 कर देना आपको। यहाँ पर आप देखते थे 16:9 कर दिया हमने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाली हेडलाइंस है वो भी यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। अब हम किसी भी हेडलाइन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और कोई भी चैनल है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी LED TV की स्क्रीन फ्रेम आउट हो रही है तो उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।